आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। भाई साहब, ये अपने आप में दो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो हेलो गाइस, तो फिर कैसे आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया, एकदम मस्त होंगे। वेलकम आपका हमारे कोर्स आज इन फ्रेश ब्लॉग के अंदर। हमेशा की तरह आज का ब्लॉग भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, एंड आज का तो कुछ ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा मतलब आपको करके दिखाने वाला, ऐसा हम कुछ करने वाले हैं जिसे आपको देख के मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले हमने ये वाला एक साउंड बार, होम थिएटर बोल सकते हो, ये बनाया था, एंड इसको बनाने में काफी मेहनत भी लगी थी, एंड खर्चा तो आया था, ठीक है, बट उतना नहीं आया था जितना भाई साहब मार्केट में मिलने वाले साउंड बार आते, ठीक है, बहुत ज्यादा कम खर्चे के अंदर इतना तगड़ा होम थिएटर बना है। जिस हिसाब से इसका बेस है ना भाई साहब, मजा आया था, इसकी इतनी तगड़ी साउंड है, जब ये चलता है ना तो भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह आराम से अपने आप भाई साहब खिसक के चला जाता है, इतनी तगड़ी वाइब्रेशन है। और गाइस, आपको कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये भी दिखाया था, जो कि मैंने काफी टाइम पहले, मतलब काफी सालों पहले ये वाला एक साउंड बार खरीदा था, ठीक है, और ये थोड़े बहुत मतलब खराब भी हुआ था बीच बीच में, बट मैंने इसको खुद से सही कर दिया था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। और इस वाले साउंड बार के अंदर भी यहाँ पे 6 इंच का सबवूफर है, जो कि भाई साहब काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर ये जो ट्विटर लग रखे है, ठीक है, स्पीकर लग रखे है, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के है, बट हमने यहाँ पे इसके अंदर ये काफी सस्ते क्वालिटी के लगाए थे, क्योंकि मैंने इसको काफी कम बजट के अंदर बनाया था, ठीक है, और ये काफी ज्यादा महंगा लिया था, ठीक है। और आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। भाई साहब, ये अपने आप में दोनों भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है, ये हमने खुद घर में बनाया, एंड ये हमने काफी टाइम पहले मार्केट से खरीदा था। दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, देखने वाले भाई साहब किसका है असली तगड़ा साउंड, कौन सा सही रहेगा, घर पे बनाने वाला सही रहेगा या फिर मार्केट से खरीदना सही रहेगा। तो आज हम यही देखने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। एंड अगर आप इसको बनाना चाहते हो ना, तो आपको पिछले ब्लॉग्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको सारे ब्लॉग बनाए थे इसको बनाते हुए के। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते 2000 सब्सक्राइबर होने वाले, 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस साल हमारे 10K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, बट पहले 2K भी होने वाले हैं, तो ये भी करवा दो यार, ठीक है, फटाफट से। देखो भाई साहब, इसकी हाइट कितनी ज्यादा है, और इसकी हाइट ज्यादा है नहीं है, इससे आधा है, बट इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। और देखो भाई साहब, एक बार में कैमरे के एंगल के अंदर भी नहीं आ रहा, मतलब कैमरे के फ्रेम के अंदर भी नहीं आ रहा। और अब आपको बताता हूँ, पहले इसको चलाने से पहले इस दोनों के अंदर कौन कौन सी चीजें लगे रखी हैं, पहले ये देखते हैं, फिर आपको साउंड दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने जो घर पे बनाया था ना, इसके अंदर 6 इंच का सबवूफर है, 2 ट्विटर है जो कि 3-3 इंच के हैं, एंड कंट्रोलर 47 के एक है दोनों ही, ठीक है, उसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसके अंदर यहाँ पे 6 इंच का सबवूफर है जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने काफी सस्ते के अंदर बनाया है, तो सारी चीजें सस्ती सस्ती लगा रखी हैं, बट यहाँ पे ये कंपनी वाला है तो भाई साहब काफी तगड़ा सबवूफर है। ये ट्विटर देखो भाई साहब कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं इसके, देखो, ठीक है, तो ये भी फर्क आ जाता है, ठीक है, साउंड में। और उस पर मैं यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल है जो कि चेंज कर रखा है, यहाँ पे ऐसा ही है, बस उसका सर्किट निकाल के इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे भी बेस वॉल्यूम का है, ठीक है, देखो यहाँ पे इसके अंदर भी 47 के मैंने लगाए थे। स्विच है यहाँ पे, स्पीकर और लगा सकते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है, इनपुट आप ऑक्स भी लगा सकते हो, और पावर केबल है, बस आपको सब कुछ बता दिया। दोनों के अंदर ही जो है 20-50 IC वाला 4.1 चैनल का होम थिएटर बोर्ड लगा है, दोनों के अंदर 4.1 है, तो बहुत तगड़ा इसलिए इन दोनों का ही साउंड है। बाकी ये जो बनाने का डिजाइन रहता है उस पर भी भाई साहब बेस काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं कि किस टाइप से वो है, एंड अंदर का सिस्टम कैसा, वो सब पे डिपेंड करता है, बेस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इसका कुछ इस टाइप से है, तो इसका अलग अलग साउंड इन पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है, और बाकी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये भाई साहब MDF से बना हुआ है, एंड ये लकड़ी का बना हुआ, पूरा लकड़ी का, ठीक है। तो चलो फटाफट से गाइस टेस्टिंग करते हैं, और ये पड़ा हमारा होममेड, और ये पड़ा भाई साहब हमारा मार्केट वाला। तो चलो दोनों को मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा भाई साहब हमारा मार्केट वाला साउंड बार, यहाँ पे मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लग इन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं दोनों ही चला लेता हूँ, ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग मोबाइल से चलाऊंगा, क्योंकि मैं सेम म्यूजिक को बार बार आपको पहले इसको चला के दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको तुरंत इसको चला के दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा इसके साउंड का। एंड इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों चल चुके हैं, देखो यहाँ पे ब्लूटूथ स्मेल, तो ये भी चल चुके, ठीक है, एंड फटाफट से दोनों को यहाँ पे दो फोन है, तो दोनों को अलग अलग फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो दोनों यहाँ पे स्पीकर दोनों मोबाइल यहाँ पे दोनों स्पीकरों के साथ अटैच हो चुके हैं एंड सेम म्यूजिक है। देखो यहाँ पे सेम दोनों म्यूजिक है। चलो एक यहाँ पे रखता हूँ मोबाइल एंड एक यहाँ पे रखता हूँ। पहले आपको इसका साउंड सुना तो बाद में तुरंत इसको चला के दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे प्ले करता हूँ म्यूजिक को। तो यहाँ पे देखो आवाज काफी बढ़ा दी है और भी ऐसा करता हूँ इसको रख लेता हूँ। काफी बढ़िया बेस है। अभी गाइस आपने इसका साउंड देख लिया और बढ़िया ठीक है, बहुत मस्त साउंड है, ऐसी बात नहीं है, बहुत मस्त है। चलो अब आ रही हमारे होममेड की और तुरंत प्ले करता हूँ म्यूजिक को और यहाँ पे आवाज बढ़ा देता हूँ। और अभी रखना है ऊपर से भी दिखाया था आपको आपने। इसका बेस थोड़ा सा हाई लगा मेरे को इसके मुकाबले में ठीक है। और अभी इसको प्ले करता हूँ। देखो यहाँ पे आपने अभी आपको बताता हूँ दोनों का कंपैरिजन मेरे को कैसा लगा। भाई सब दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत मस्त है ठीक है। बट यहाँ पे जिस हिसाब से इसको प्राइस के अंदर हमने बनाया काफी कंपैरिजन के अंदर बनाया तो उस हिसाब से भाई साहब वे पूरी टक्कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे इसका बेस थोड़ा सा कम लगा मेरे को अभी बट जब ये चला तो भाई साहब इसका बेस काफी ज्यादा हाई हो गया। छोटे कमरे के अंदर थोड़ा सा अच्छे से पता नहीं चलता, जब बड़ा होल होता है ना काफी ज्यादा तो भाई साहब इसका बेस काफी मतलब अच्छे से फील होता है, अभी बेस इसका फील नहीं हो रहा। बट यहाँ पे ये जो मतलब बॉक्स का डिजाइन है ना उस हिसाब से ये छोटे कमरे के अंदर काफी अच्छी बेस देता है तो बेस अच्छे से फील होता है ठीक है। बट इसका बेस जो है अच्छे से फील नहीं हो रहा, इसका फील हो रहा। बट ये जो है काफी बड़े होल के अंदर अच्छे से साउंड देता है, ये जो है ना ज्यादा बड़े होल के अंदर नहीं देता। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया बॉक्स के डिजाइन से उसका आवाज काफी फर्क पड़ जाता है ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम पंजाबी म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया, पहले आपको अभी इसका सुना था, पहले उसको सुनाया था पिछली बार, अब इसकी बारी है तो म्यूजिक प्ले करता हूँ ठीक है।
इसका बेस सच में काफी ज्यादा तगड़ा है, और अभी तो हमने स्पीकर को दोनों को ऊपर रखा है तो इससे भी बेस का फर्क पड़ता है। तो अभी ऐसा करता हूँ, दोनों को मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं दोनों में आवाज का क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका जब हम कॉर्नर पे रखते हैं या फिर किसी बड़े हॉल में करते हैं तो साउंड का फर्क पड़ता है। चलो इसको वहां पे रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और म्यूजिक को पहले इसके ऊपर चला के दिखाता हूँ, बाद में उसके ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर सब चीजें बनाने के अंदर, या फिर अगर आपको ऐसा सब काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी का बॉक्स वगैरह बढ़िया बना लेते हो, तो भाई साहब आप आसानी से ये वाला बना सकते हो। अगर आप मेरे ब्लॉग वगैरह देखोगे पुराने वाले, तो इसको आप आसानी से काफी सस्ते के अंदर बना लेते हो। इसको बनाने का खर्चा मैक्सिमम 1000 से 1500 का, मतलब 1000 से 1500 रुपए का खर्चा आएगा। बट इसको जब मैंने खरीदा था भाई साहब, ये 4000 के अराउंड इसका प्राइस आया था। जिस हिसाब से भाई साहब इन दोनों का साउंड है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों के साउंड के अंदर, बट प्राइस में भाई साहब आधे से भी ज्यादा का फर्क है, ठीक है? ये 4000 का और ये भाई साहब 1500 रुपए में बन गया, ठीक है? मेहनत नहीं करनी है तो भाई साहब मार्केट से खरीद सकते हो, ठीक है? तो जैसा आपका मन वैसा कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि दोनों के साउंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो जो बड़े वाला है वो भाई साहब ऊपर नीचे रखने में उसका साउंड में डिफरेंस आता है। चलो बहुत ज्यादा हम बकबक कर ली, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मजा आएगा, मजा आए तो फिर सब्सक्राइब भी कर रहे ना, ऐसी मजेदार वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।